के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित है और विभिन्न परीक्षाओं में, विभिन्न विभागों में, विभिन्न क्षेत्रों में नवनियुक्त सभी हमारे सरकार के अभिन्न अंग के रूप में जुड़ रहे सरकार के कर्मचारीगण और हमारे साथ उपस्थित मंच पर गण्यमान्य अतिथिगण, मंत्रीगण, काफ़ी देर से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी देर से नहीं बल्कि कुछ लोग तो बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं आज के दिन। और हमारा ये प्रयास रहा है, चूंकि सरकार और राज्य की व्यवस्था किसी एक व्यक्ति के माध्यम से नहीं चल सकता, इसके लिए जब तक सभी क्षेत्रों से एक साथ लोग राज्य के विकास के पहिए को खींचेंगे तभी राज्य का सर्वांगीण विकास की जो बातें हैं वो पूरी हो सकती है। आप सबको पता है, एक लंबी लड़ाई के बाद ये राज्य अलग हुआ और राज्य अलग हुए अभी लगभग 20-25 साल हो रहे हैं। कई वर्षों में तक तो झारखंड और बिहार में कैडर विभाजन भी नहीं हो पाया था। ऐसे स्थिति में कई जगहों पर टेम्प्रोरी व्यवस्था के माध्यम से चीज़ों को चलाया गया। धीरे धीरे कैडर विभाजन के साथ साथ नियुक्ति की भी प्रक्रिया प्रारंभ हुई। कई जगह नियुक्तियां राज्य अलग होने के तुरंत बाद होनी चाहिए थी, वो अब तक नहीं हो पाई थी। कई संवर्ग के नियुक्ति नियमावली का नहीं बनना भी इसका मुख्य कारणों में से एक कारण रहा। 2019 में जब हम लोगों ने सरकार संभाला तो स्थिति ऐसी हुई, राज्य की विकास की तो बात छोड़िए, राज्य में हम जिंदा कैसे रहें इस पर हम लोग विभागवार समीक्षाएं होने लगी। तो पता चला कि कई संवर्ग के तो नियुक्ति नियमावली भी नहीं है, कई लोग बहाल हुए हैं तो कई बहाली में कई सारी उलझने भी आ गई हैं। कुछ तो वास्तविक उलझन रही और कुछ तो दिखावटी उलझन भी रही, मैन मेड उलझन जिसको कह सकते हैं। और चूंकि हमारे युवा नौजवान ऊर्जावान तो होते ही हैं, कभी कभी उस ऊर्जा का उपयोग सही चीज़ों के लिए भी हो जाता है, कभी कभी गलत चीज़ों में भी उस ऊर्जा का उपयोग हो जाता है। तो मुझे लगता है इस राज्य में राज बनने के बाद अलग अलग क्षेत्र में इस राज्य को कई तूफानों का सामना करना पड़ा, कई हिचकोले खाने पड़े। फिर हम लोगों ने सभी विभागों के अंदर सभी संवर्ग के नियमावली बनाने प्रारंभ किए, फिर नियुक्तियाँ प्रारंभ हुई। और आपको पता होगा कि हम लोगों ने JPSC का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था और आपको मालूम होगा कि वो JPSC का एग्ज़ाम इस राज्य का, और मुझे लगता है कि हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि देश में भी वो रिकॉर्ड रहा है। तो सबसे कम समय में उसका रिजल्ट प्रकाशित करके हम लोगों ने BDO CO कलेक्टर बनाने का काम किया था। कई बार हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटे और बांटने के बाद फिर एक नई समस्या खड़ी होने लगती है कि अब इनको पदस्थापन करना है, इनको यहाँ इस राज्य के किस कोने में उसको जिम्मा देनी है, इसकी भी एक अलग प्रक्रिया चलती है। विभाग में उथल पुथल होता रहता है। कई बार तो हम लोगों ने नियुक्तियाँ पत्र ऐसी बांटी कि नियुक्ति पत्र के साथ साथ उनका पोस्टिंग भी
हमने नहीं किया, बल्कि लॉटरी के माध्यम से जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी हमारे कर्मचारी चयनित हुए थे, वो खुद से पर्ची निकालते थे और खुद से उनके लिए अपना जगह चयन करने का उसको मौका मिलता, नियुक्ति पत्र भी, और कहाँ उसको जाके अपने कार्य करने हैं वो भी साथ में लेके जाते, और ऐसे सभागार के बीच में। तो हमारी प्रयास रही कि हर चीज पारदर्शिता के साथ हो और न्याय संगत हो हम लोगों के लिए, सभी चाहे राज्य के उच्चतम पदाधिकारी हों चाहे राज्य के चपरासी हों, सभी को देखने का एक ही नजरिया हमारा है। तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार हैं हमारे ये सारे अभ्यर्थी। शिक्षकों को सबक नियुक्ति पत्र भौतिक विज्ञान दुमका के प्रमोद प्रसाद जी नागपुरी गुमला, अब सहायक शिक्षक के रूप में सुजाता किस्मोटा जी को दी रहे। तालियां लगातार हो जोर से भरेंगी। और इनके बाद पेयजल एवं जोश आपकी तालियों में नजर आनी चाहिए। और इनके बाद पथ निर्माण विभाग के विद्या कुमारी जी, तालियों में कमी ना हो। जल संसाधन विभाग